अब मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि शायद मेरा बेटा मुझे कभी माँ नहीं बुला सकता, शायद मेरा बेटा कभी मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे कभी ये नहीं कह सकता कि हाँ मामा आई लव यू। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बोल नहीं सकता, आपका बेटा नॉर्मल है। नहीं कुछ मैं सुनता सभी में, चाहत के सपने बुनता सभी। सिर्फ ये कहते ना कि आपका बेटा ऑटिस्टिक है, मैं समझती हूँ किसी भी माँ के लिए या बाप के लिए या किसी भी पेरेंट के लिए सुनना बहुत मुश्किल है। आप डिनाइल में चले जाते हैं शुरू के फेज में, तो काश कोई डॉक्टर कह दे कि इसको ऑटिज्म नहीं है, फिर किसी ने कहा कि कहाँ हेयरिंग का करवा लें, हेयरिंग करवा ली, किसी ने कहा कि दम करवाएं, यार जिन होता है बच्चों में, छोड़ें सारे काम। My motherhood has been questioned many times. मेरी वाइफ भी डिप्रेशन में चली गई, मैं भी चला गया, बहुत डिप्रेशन में हम चले गए, हमें समझ ना आए कि हम क्या करें। मतलब कि ऑलरेडी एक बंदा ऑर्डियल से जा रहा है, गुजर रहा है, और बजाय कि आप उसको तसल्ली दें, सपोर्ट करें, you're just questioning whatever they are doing for their child, and you can see कि she's doing the best that she can. किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे तो लोग सब एकदम से देखते हैं और वो कहते हैं ये बच्चा कितना बदतमीज है और ये माँ के साथ क्या कर रहा है, मतलब कि इसको कोई समझाता नहीं, फिर आपको ब्लेम करते हैं कि आप बच्चे को क्यों लेके आए हुए हैं आप सोसाइटी में, आप देखें ये मॉल है या पार्क है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये चीख रहा है या ये रो रहा है और ये नीचे आपके साथ कर रहा है, या कई लोग कहते हैं देखिए माँ ने तरबियत सही नहीं की या बाप ने सही तरबियत नहीं की है ना। चीज कंपैरिजन आ जाता है, आपके इर्द गिर्द बाकी बच्चे हैं, इसकी उम्र के ही बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, उनकी एनरोलमेंट हो गई है, कोई नर्सरी चला गया, कोई प्रेप चला गया, कोई वन क्लास में चला गया, किसी ने मेडल ले लिया, किसी को सर्टिफिकेट मिल गया है, एंड योर सन इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू वेयर हिज ओन क्लोथ्स। तो वो जो फॉल है ना फ्रॉम दैट कि जी बच्चा आपका यूनिवर्सिटी जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टू द फैक्ट कि काश ये मुझे माँ ही सिर्फ बुला ले, वो जो एक फॉल है ना, दैट्स वेरी बैड। जब खुदा के लिए फिल्म आई और मेरा एल्बम जियो ने से रिलीज हुआ फायर रैकेट से, फिर ऑटिज्म वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो वो मैं उस चीज़ में इतना बिजी हो गया कि म्यूज़िक, फिर आपको पता है एक फील होती है, उसके लिए एक मूड चाहिए होता है अपने काम के लिए, आपको एक जिसे आमद कहते हैं, क्योंकि आमद आपको तब आती है जब आप फोकस करते हैं। मैंने अपनी सारी लीव्स ना उन डेज के लिए रखी होती हैं जब मेरा बेटा बीमार है, मैं बीमार हूँ तो मैं छुट्टी नहीं लेती, ताकि जब मेरा बेटा बीमार हो तो मैं छुट्टी ले लूँ, उसको घर पे रखूँ, उसका ख्याल करूँ, बिकॉज वो दवाई भी किसी और से नहीं खाता, कोई मेरी ये मजबूरी भी नहीं समझता कि मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, मैंने 5 बजे हर हालत में बेटे को पिक करना ही करना है, आप जो भी कर लें। तो मेरा करियर टुक अ बिग हिट, I wasn't earning that well initially, तो वो एक financial crunch मैंने देखा है, but obviously my son comes first. Immediately there should be a pamphlet there on the doctor's table जो कि आपको guide करे कि ये counseling facilities available हैं for parents, because जो caregiver burnout है ना वो बहुत बुरा है, कि caregiver burnout is something that we don't talk about. कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ बच्चे का ख्याल रख रख के, जो कि 24 घंटे मेरे पे डिपेंडेंट है फॉर एवरी काइंड ऑफ हेल्प। हैप्पी मोमेंट्स तो डेली होते हैं, जब वो आपको हग करता है और अपना काम करता है, कोई एक नया वो स्किल सीख लेता है, कोई अपना छोटा सॉक्स पहन ली या उसने अपने नेल्स कटवा लिए आज। मैं कहती हूँ कि हर किसी की लव लैंग्वेज फर्क है। एक दिन मैं आई तो मेरी कॉफी मशीन ऑन थी, मेरा मग नीचे पड़ा हुआ था और मेरा बेटा साथ खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था कि आके कॉफी बनाएगी। एंड ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग देयर अंटिल एंड अनलेस आई मेड माय कॉफी एंड देन केप्ट ऑन स्टैंडिंग बाय द स्टोव के ये नाश्ता अपना बना ले। उम्मीद और बिलीव, ये जो है ना दो चीजें, ये अगर आप रखें तो, अगर उम्मीद खत्म कर दें तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, बस वो कि हिम्मत रखें और कंटीन्यूअसली आप बिलीफ रखें कि यार ये करना है और ये हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि ये नहीं होगा और मुझसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर मैं किसी एक पेरेंट से आज बात कर रही हूँ, दूसरे पेरेंट से दूसरे दिन बात कर रही हूँ, और मैंने उनकी जिंदगी, उनके बेटे की या उनके बच्चे की जिंदगी में इतना सा भी फर्क ले आई हूँ ना, दैट्स अ ह्यूज पैट फॉर मी, दैट्स अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर मी, दैट ऑल्सो कीप्स मी गोइंग।